है ना। नमस्ते दोस्तों, नमस्ते, कैसे हैं आप सर? आज हमारे मित्र संतोष जी को मैं चेस सिखाऊंगा, क्योंकि इनको चेस के रूल्स नहीं पता है, तो मैं सोचा इनको चेस के रूल्स बताऊं। अभी मैंने इनको बिना सिखाए गेम चालू कर दिया था, उसमें ये फालतू टाइम पास करने लग गया, तो मैंने सोचा कि एक बार रूल्स बता देते हैं और इसको रिकॉर्ड भी कर लेते हैं, लगे तो कंटेंट बन जाएगा और इसको हम चेस भी सिखा देंगे। तो शुरू करते हैं और सबसे सिंपल बताता हूँ। ये जो है ना, ये जो एक ही तरह के हैं, इनको बोलेंगे हम सिपाही। सिपाही इंग्लिश में बोलते हैं पॉन। अब इंग्लिश अपन बाद में सीखेंगे, पहले सबका हिंदी समझ जाते हैं ना, हिंदी में मीनिंग समझ जाता है और इनकी चाल क्या है ये समझ जाते हैं। ये है पॉन, सॉरी सिपाही है ना। इनको पैदे भी बोलते हैं और कुछ लोग ऐसे गाँव में पिद्दी भी बोलते हैं, लेकिन मेन सिपाही बोलते हैं जो एक जैसे दिख रहे हैं। ये अपनी पहली चाल के अंदर दो कदम चल सकते हैं, जैसे देख ये दो कदम चल गया, लेकिन पहली चाल थी, अब इसके अब ये दो कदम नहीं चल सकता, अभी एक कदम ही चलेगा, समझ गया? शुरुआत है, इसकी शुरुआत है, ये दो चल सकता है, लेकिन ये एक दो चल चुका है ऑलरेडी, तो अभी एक ही चल सकता है, दो चल सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि दो चल नहीं है, एक भी चल सकता है, समझ गया ना तुम? जिस तेरे में चल रहा गेम, तू चलाएगा तो पता लगेगा, है ना, तेरे पता लगेगा मैं चला रहा हूँ, ठीक है? तो पहली बार में दो कदम चल सकते हैं, एक भी चल सकते हैं, दो ही चल, और उसके बाद तो एक ही चलना है, उसके बाद एक ही चलना है। रूल नंबर दूसरा सिपाही का, दूसरा रूल नंबर है कि भाई साहब वो कभी भी सीधा नहीं मार सकता। अगर ये जो तेरा प्लेयर है, ये वाला अगर ये वाला यहाँ पे होता तो ये वाला इसको नहीं मार सकता, लेकिन ये वाला मार सकता था। उसका रीज़न है क्योंकि ये जो सिपाही है, ये मतलब चलता सीधा है, मारता तिरछा, ये बहुत ही फुद्दू नियम है, लेकिन तेरे को मतलब कि याद करने पड़ेंगे, और ये चेस इसी पे चल रहा है, ठीक है? कोई लॉजिक नहीं इसके पीछे, लेकिन इसी को सब फॉलो करके चेस खेलते हैं, तो ठीक है। ये तिरछा मार सकता है, मतलब ये इसको मार सकता है, और तू भी मेरे को मार सकता था अगर अपन थोड़ा बैग में जाए, मैं जैसे इसने यहाँ पे चलाया तो तू इसको मार सकता है, क्योंकि अब तेरी चांस है, इसको आगे भी चला सकता है। सिपाही को गेम समझ गया। ये कलर का कुछ प्रॉब्लम नहीं था, कलर ये वाला कलर इसलिए तो बनाया, एक वाइट एक ब्लैक है कलर, मतलब एक ग्रीन एक वाइट है, क्या होता है ग्रीन पे आने ये कलर इसलिए बनाया है ताकि एक एक स्टेप काउंट किया जा सके, उसके कुछ जो लेना देना है उस गेम में, और जो लेना देना वो आगे सीखेंगे तुम, और भी लेना देना है ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो अपन आगे सीखेंगे, ठीक है? वो मतलब जब ऊँट है वो तीसरा चलता है, तो तीसरा इन बॉक्स पे चलेगा, और जो है ना हाथी उस प्लस माइनस में चलता है, तो वो उसी में चलेगा, तो वो अपन आगे सीखेंगे बॉक्स का। तू अभी सिपाही का रूल समझा, क्या क्या समझा? एक तो पहली बार में दो कदम चल सकते हैं, एक भी चल सकते हैं, मारते तिरछा है, लास्ट रूल है इनका कि ये पीछे नहीं आ सकता, पीछे नहीं आ सकता, ये देख ये सिपाही आगे पड़ गया, ये पीछे नहीं आ सकता, पीछे नहीं आ सकता, ये इकलौते प्लेयर है जो आगे बढ़ गया तो पीछे नहीं आ सकता, इनका मरना निश्चित है। हाँ, जैसे युद्ध में है ना कि भाई इनको बस मरना है तो मरना है, या तो आगे जाके ये रानी बन जाएंगे, आगे जाके रानी भी बन सकते हैं अगर ये उस कोण तक पहुंच गए तो, जैसे मेरे प्लेयर मेरे सिपाही अगर इस यहाँ तक पहुंच गए, इस यहाँ तक इस लाइन में कहीं पर पहुंच गए, तो वो रानी बन जाएंगे, जो भी चार पांच और एक्स्ट्रा बन सकते हैं वो एक्स्ट्रा नॉलेज है, वो बाद में सीखेंगे, पहले अपन ये बेसिक चीज समझ गया, ये पीछे नहीं आ सकता, आगे जाएगा, और बाकी सारे जो प्लेयर है अब उनको अपन एक एक करके समझते हैं। ये जो है हाथी, हाथी है ना, ये जो बॉक्सी आकार का है इसको अपन हाथी बोलते हैं, ये हाथी है, ठीक है? हाँ, ये हाथी है। हाथी का रूल ये है कि ये हमेशा प्लस माइनस में चलता है, हाँ, उसको निकालना बता रहा हूँ, क्योंकि तेरे फोन में भी चल रहा है ना, जो तू चाल चलेगा तभी मैं चल पाऊंगा, तो चला तू उसमें वो भी चाल चला, जैसे तूने ये चाल चलाई, तूने ये चाल चला ली, अब जो तेरा हाथी है, एक मिनट में बताता हूँ तुम्हें, अरे तू ये तिरछा मार सकता है, रूल समझ रहे ना, अब जो ये तेरा हाथी है, मेरे ही चाह रही है, चलो अपन इस तरह, ठीक है? अभी आप आ गया, ठीक है? अब देखना तुम, तेरा जो हाथी है, तेरा जो हाथी है ये सामने चल सकता है, मतलब हाथी का जो रूल है वो ये है कि अगर हाथी यहाँ पे खड़ा है इस वाले बॉक्स पे, तो या तो इधर चल सकता है, इधर चल सकता है, इधर चल सकता है, इधर चल सकता है, वो तिरछा नहीं चल सकता,
बाकी किसी भी दिशा में कितना भी चल सकता है। उस सिपाहियों की तो लिमिट थी कि एक स्टेप दो स्टेप, लेकिन इसके जो हाथी है उसकी कोई लिमिट नहीं है, इसको हम बोलते हैं प्लस का रूल। जैसे प्लस में होता है ना, प्लस में होता है ना चारों तरफ, हाँ चारों तरफ का है लेकिन तिरछा नहीं चल सकता, ये हाथी के लिए। ये हाथी पीछे भी, ये बाकी सारे प्लेयर पीछे भी आ सकते हैं, इनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हाथी क्या प्लस में चलता है, प्लस में चलता है जो ये ऊँट है, इसको ऊँट बोलते हैं। ये जो प्लेयर है ना, ये जो तेरे पास है अभी, ये देखिए तिरछा गया। अब जैसे ये ऊँट यहाँ पर है, अब ये ऊँट जहाँ पे हाथी चलता था उसके अलावा जो तिरछा बच गया वहाँ पे ये चलता है। मतलब ये ऊँट जो है, ये यहाँ पे जो है, ये वापस यहाँ पे जा सकता है, वापस यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है और यहाँ पे आ सकता है, लेकिन ये प्लस में नहीं चल सकता। सिंपल सा रूल, तिरछा चलता है, हाँ तिरछा चलता है और कितने भी कदम चल सकते, इनका अनलिमिटेड कदम है, इनके जो कदम है वो अनलिमिटेड है, ठीक है। तो हाथी और ऊँट का एकदम उल्टा है, समझ गया ना, ये जी है। घोड़े का थोड़ा सा डिफिकल्ट है, घोड़ा क्या है कि थोड़ा लंगड़ा है, सही बोल रहा हूँ सच में, ये घोड़ा चेस में लंगड़ा है तो वो हमेशा ढाई कदम चलता है। अब ढाई कदम काउंट कैसे करेंगे, तू समझ ना, ये एक बॉक्स को अपने एक कदम माना, दूसरे को भी एक कदम माना, तो फिर आधा कैसे काउंट करेंगे, आधे के अंदर फिर इसके बीच में दीवार बनाओ क्या करो फिर ऐसा कुछ। तो ये इसके लिए उनके दिमाग लगा कि आधा कदम जो होगा वो राइट या लेफ्ट होगा, जैसा तेरे चले ना, नहीं मेरे चाले, जैसे मेरा हाथी है। अब देख ये जो यहाँ पे है हाथी, तो ये ढाई कदम कहाँ का चल सकता है, एक दो ढाई यहाँ पे चल सकता है, दूसरा एक दो ढाई यहाँ पे चल सकता है, समझ गया ना, एक दो ढाई ऐसे चल सकता है, यहाँ पे भी चल सकता है, यहाँ पे भी चल सकता है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी मेरा प्लेयर मौजूद है, जगह खाली नहीं, इसलिए यहाँ पे नहीं चल सकता है। अगर मैं इसको एक बार यहाँ पे ले आऊँ, अब देखना मैं बताऊँ तुम्हें, ठीक है, अभी हाथी मेरा यहाँ पे है, अब देख कहाँ कहाँ चल सकता है, देख डॉट जहाँ पे डॉट बने हुए हैं, ये यहाँ पे चल सकता है, 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 यहाँ पे चल सकता है और यहाँ पे चल सकता है, यहाँ पे नहीं चल सकता क्योंकि यहाँ पे अपना प्लेयर है, जगह खाली होती है चला जाता हूँ। ढाई कदम का रूल समझ गया, इसका बस ढाई कदम का रूल है, इसका आड़ा तेरा तिरछा कुछ नहीं है। ढाई कदम में क्या होता है कि जिस पे ये घोड़ा होता है, जिस डब्बे पे, उस डब्बे पे वापस नहीं आता, जैसे देख ये भी क्या है, ग्रीन वाले डब्बे पे है, अब ये जहाँ पे भी रहेगा हमेशा वाइट पे रहेगा, और एक बार ये अगर वाइट पे पहुँच गया, ये देख जैसे वाइट पहुँच गया, मैं बताता हूँ तेरे को, ये वाइट पहुँच गया, अब देख अभी सारे डॉट इसके ग्रीन पे आ गए। तो ये मतलब एक कैलकुलेशन है, अगर मतलब कि क्या बोलते हैं ट्रिक है कैलकुलेशन करने की, अगर आपका जो घोड़ा है जिस कलर पे है उसके अपोजिट कलर पे ही जाएगा ढाई कदम में, क्योंकि ढाई कदम का मतलब क्या, एक दो फिर राइट लेफ्ट लेना है, राइट लेफ्ट में हमेशा अपोजिट कलर ही आएगा, ये सबसे बेसिक रूल हो गया, ठीक है। अब रानी मर गई, मैं रानी मर गई क्या, पता नहीं, ये चल दे रानी के लिए, मैं रानी ही चली गई, रानी ही चली गई, मैं सिखा रहा हूँ, समझा दे, मैं रेटिंग डाउन नहीं हो जाए वैसे। हाँ अब देख मैं बताता हूँ, देखो इसको आप ले आता है, हाँ अब देख ये जो है रानी, रानी रानी देख, रानी तेरे पास है, देख रानी का ऐसा है, रानी का सबसे बेस्ट है, रानी कहीं पे भी किधर भी कितने भी कदम चल सकती है। रानी जो है बेसिकली वो भंड है, क्या है भंड, हाँ तो वो सच में लिटरली ये तो प्लस माइनस में तिरछे में वो हर कदम चल सकती है सिवाय ढाई कदम के, क्योंकि ढाई कदम कौन चलेगा, जो लंगड़ा है, जो जो घोड़ा है वो लंगड़ा है, इसलिए ढाई कदम वही चलेगा, बाकी जितने भी सब तेरी रानी है, देख तेरी रानी यहाँ पे, ये देख प्लस में चल सकती है। अभी इस तरफ अपने दो प्लेयर है, ये जो है ये सिर्फ यहाँ तक चल सकती है, क्योंकि इस तरफ ये अपने प्लेयर तो यहाँ तक नहीं आ पाएगी ना, एक तो इस लाइन में चल सकती है, एक इस लाइन में पूरा सीधा चल सकती है, और कहाँ चल सकती है, इस तिरछे लाइन में चल सकती है, ये देख तेरे को दिख भी रहा है, ये डॉट ये डॉट ये डॉट, लेकिन यहाँ पे नहीं आ सकती, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आने का कोई सिस्टम नहीं है ना, या तो प्लस में चलो या तिरछे चलो, ऐसा नहीं कि आप थोड़ा प्लस में चल के थोड़ा तिरछे चल लो, ऐसा नहीं होगा, एक टाइम पे एक ही चीज़ फॉलो होगी। तो जो रानी है, जब देखते रानी है, तेरे रानी को थोड़ा बाहर निकालते हैं, तेरे रानी को थोड़ा यहाँ पे लाते हैं, ये देख तेरे रानी यहाँ पे आ गई, अब देखते अब देखना अब जब जब मैं इसको आगे बढ़ाऊँगा, ये देख अब देख अब तेरे रानी कहाँ कहाँ चल सकती है, बहुत जगह चल सकती है, क्योंकि ये प्लस में भी है और तिरछी भी है, बेसिकली हाथी का और ऊँट को जब मिक्सचर किया तो रानी बनी, इसको वजीर भी बोलते हैं बहुत से लोग, लेकिन रानी भी बोलते हैं, हाँ वजीर भी बोलता है, रानी भी बोलता है,
वही ही मुगलों काल में बोला जाता होगा। हाँ तो अपना इतिहास का नॉलेज अपने पास रख, ठीक है, ये सबसे इजी था। तो रानी, रानी का हो गया। और कौन सा रखा है? रानी सबसे पावरफुल कैरेक्टर है, तू ये सोच, ये समझ, रानी सबसे पावरफुल है ना। हाँ। कितने भी स्टेप किधर भी चल पा रही है, किसको मार सकती है, बाकी सबकी लिमिट है। देख हाथी है, जो मेरा हाथी है उसकी लिमिट है। मेरे को एक बात कर रहा है, इसमें से किसी को मार सकते है? सिर्फ सामने वाले को मारना है ना, खुद को थोड़ी मारना है, खुद की टीम को नहीं मार सकते। नहीं, खुद को नहीं, तेरे वाले इस चीज से कौन सा वाला घोड़ा मार सकता है कैमरा वाला? जहाँ जहाँ तेरे स्टेप से जा रहे हैं एक बार में, वहाँ वहाँ मार सकते हैं। कौन सा हाथी वाला? तू बता, तू एग्जांपल दे मेरे को, ऐसे थोड़ी समझ में। रानी कहाँ पर है मेरी? तेरा रानी ये पड़ी है। कहाँ कहाँ? ये बीच में, ये तो है तेरा रानी, पता था ना तेरे रानी किसको बोलता है? अब ये कहाँ कहाँ जा रही है? तेरा स्टेप है इसमें इस निकाल। रानी ब्लैक वाली है ना, तो ब्लैक कलर तेरा भी रानी है ना। हाँ ये तेरा रानी है, अब उस पर रुक रुक, अंगूठा छोड़, अंगूठा इसको पकड़ के घसीटना नहीं, इसको बस एक बार, बस ये एक बार टच कर दिया बस। अब जहाँ पे जाना है वहाँ पे क्लिक कर दो। अब देख, अब रानी के पास इतने सारे ऑप्शन है, रानी किसी इसको मार सकती है। अब देख यहाँ पे जो तेरी रानी है इसको मार सकती है, मेरे घोड़े को, क्योंकि ये इसके तिरछे में आ रहा है। तेरी रानी इस वाले घोड़े को भी मार सकती है, क्योंकि ये भी इसके तिरछे में आ रहा है, ठीक है। तेरी रानी और किसको मार सकती है? इस सिपाही को मार सकती है, क्योंकि इसके प्लस में आ रहा है। और अभी डायरेक्ट इसको नहीं मार सकती, डायरेक्ट ये तीन पेड़ों को मार सकती है। मेरा कहने का मतलब क्या है? हाँ, कौन सा घोड़ा कोई कोई मार सकता है अभी? घोड़ा वाला? हाँ ये ऐसा नहीं है कि ये जो घोड़ा है सिर्फ घोड़े से लड़ेगा। हाँ, नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये युद्ध चल रहा है। हाँ, सिपाही भी राजा को मार सकता है। हाँ, ये युद्ध है, ये लोकतांत्रिक युद्ध है, इसमें सिपाही क्या लोकतांत्रिक तो नहीं है, लेकिन ये हाँ सिपाही भी राजा को मार सकता है। कोई किसी को मार, हाँ ये बात है, कोई किसी को मार सकता है, लेकिन सामने वाला होना चाहिए और उसकी लिमिट में होना चाहिए। ऐसे नहीं की ऐसे कहीं से भी उड़ के मार देगा, नहीं मारेगा, ठीक है। एक और सबसे बड़ा डाउट होता है। हाँ। कि जैसे कभी तो इस पर क्या, हाँ सुन, ये जैसे ये मेरा घोड़ा है। अब कई लोग बोलते हैं कि भाई साहब ये घोड़ा यहाँ पे कैसे आएगा? क्यों? क्योंकि ढाई कदम करने के लिए इसको यहाँ पे और यहाँ पे आना पड़ेगा, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी प्लेयर है। ऐसा नहीं है, जहाँ पे ढाई कदम लास्ट में जाना है, ढाई कदम यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए, बीच में तो हवा में कोई भी आए तो क्या फर्क पड़ता है? घोड़ा तो जो लंगड़ा है ना वो छलांग लगाएगा, तो उसके नीचे कुछ भी आए, ये ऊंट हो सिपाही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ पे उसको पहुंचना है, जैसे जो फाइनल डेस्टिनेशन है ये वाला, यहाँ पे कोई नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कोई नहीं होना चाहिए, बीच में यहाँ पे कोई भी चलेगा, ठीक है, ठीक है। अब जो राजा है, राजा सबसे कमजोर आदमी है, सबसे कमजोर, मतलब सिपाही से तो होशियार है, लेकिन बाकी जो उसके जो सेनापति है और ये जो घोड़े और हाथी है इनसे कमजोर है। क्योंकि राजा जो है सिर्फ एक कदम ही चल सकता है, एक ही कदम, राजा एक टाइम पे एक कदम। जैसे मैं चल के दिखाता हूँ तुम्हें, तेरा राजा भी, तेरा भी तो चल, ठीक है मैं राजा चलाता हूँ, ये हो गया मेरा राजा, चला दिया क्या मैंने? हाँ मैं चला दिया। अरे यार हाँ, अब देख तेरा राजा है, अब जैसे तेरा देखिए राजा है, तेरा राजा भी कहाँ जा सकता है? एक कदम चल सकता है ना, यहाँ पे आ सकता था, यहाँ पे आ सकता था, यहाँ पे आ सकता था, लेकिन तू देख यहाँ पे ऑलरेडी प्लेयर है, तो यहाँ पे नहीं आ सकता अभी। अब यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, सिर्फ दो ही जगह आ सकता है, ये देखते को सिर्फ दो जगह दिख रही है, ठीक है, राजा सिर्फ दो जगह आ सकता है, ठीक है, राजा कहीं भी आ सकता है, सिर्फ दो कदम, सिर्फ एक कदम आ सकता है। और एक और रूल है राजा के लिए, कैसलिंग वाला रहे, लेकिन वो कैसलिंग वाला थोड़ा मतलब वहाँ कुछ कुछ रूल्स और भी है, लेकिन ये बेसिक रूल्स, इनको तू समझ गया ना, तू चेस खेलना सीख जाएगा, सीख जाएगा, ठीक है। अब तू चेस खेल, हमने तेरे को सारे रूल्स बता दिए। कौन रहेगा? कौन रखेगा? ये ऊँट का बता, ये ऊँट है, तू सबके प्लेयर के नाम बता मेरे को, मैं तेरे से पूछता हूँ कुछ भी। ये कौन है? ये सिपाही है। ये कौन है? सिपाही है ना। ये एक घोड़ा है, लंगड़ा घोड़ा, घोड़ा। ये कौन है? कौन? सिपाही है ना, वो सिपाही। ये कौन है? ये हाथी है। ये ऊँट है। ये ऊँट है ना वो। ये घोड़ा, ठीक है। ये वाला राजा, ये राजा, ये हाथी, हाथी, ठीक है। तो लगभग तो समझ चुका। हाँ ठीक है, अब तू अब अपन गेम चालू करते हैं। हाँ। तेरे पास 18 मिनट है, मेरे पास 11 मिनट है। अच्छा। अब खेलते खेलते एक दो मैच खेलेंगे तो ज़्यादा फटाफट सीखेगा, ठीक है। अब चला फटाफट, अभी बंद कर देना। नहीं बंद नहीं करना था, तो पता चलना चाहिए जो टीचर ने स्टूडेंट को सिखाया है वो तो। हाँ कैसा साइड पे होता है देख, चला।
तेरी बारी तेरे तेरे पता टाइम तो काउंट हो रहा है ना, टाइम पता ना देखते, वो यहाँ पे तेरा टाइम है और ऊपर मेरा टाइम है, ये जो नीचे ये जो ऊपर की तरफ है तेरा टाइम है, ये मेरा टाइम है। चला देखो तूने शाबाश का अच्छा काम किया, तूने मार दिया ठीक है, अब मेरे पास क्या क्या ऑप्शन ऑप्शन है, चलो पंद्रह मिनट हो गया, शाबाश सीख रहा है तू, धीरे धीरे देख सीख रहा है, लेकिन मैं भी मार दूंगा तेरे को क्योंकि मेरे पे मैं भी तेरे साथ चल सकता हूँ ठीक है। तो वो तेरे साथ चल रहा है टाइम बहुत है, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी, नाइस। अब देख अच्छा चेकमेट का तो बताया नहीं, मैं भी क्या है इंसान हूँ, तो सारे रूल्स बता दे, मेन रूल्स बताना भूल गया। देख ये तक जो अभी तक मैंने क्या बताया जो कितने चाले चलते हैं, अब मेन चीज ये है कि गेम खेल क्यों रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, फाइनल में करना क्या है, वही बता। कैसे पता चला कि इंसान जीत गया, वैसे तो सबको मारने में पूरे दिन निकल जाएगा ठीक है, तो बेसिकली युद्ध में भी जब राजा लोग लड़ते थे सारी सेना को मारना जरूरी नहीं है, राजा को अगर आपने बंदी बना लिया, राजा को पकड़ लिया या राजा को मार दिया तो आप मैच मतलब युद्ध जीत गए, समझ गया ना, किसी को मत मार, राजा को मार दो। हाँ राजा को मार, अगर बाकी सारी सेना भी मस्त जमी हुई है और हो सकता है आपकी सारे सेनापति मर गए, सिर्फ एक सिपाही बचा है और उसने राजा को अगर मार दिया, ये एक दो सिपाही बचे उन्होंने राजा को मार दिया मिलकर, तो आप जीतो माने जाओगे क्योंकि राजा करो राजा को मारा, राजा मरा गेम खत्म, जिसका राजा मरा वो हारा, फिर भले चाहे रानी हो चाहे वजीर हो चाहे आपके पास कितने अच्छे सेनापति सब कुछ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस राजा मर गया सामने वाला राजा मार दिया आप जीत जाओगे, मेरा राजा मार दे नहीं अभी तू मार सकता है, तूने चेक लगा रखा है इसको चेक बोलते हैं। हाँ अब देखो इसमें देख इसमें दो दो तीन टर्म है, एक होता है चेक, जब आप किसी के राजा को मारने वाले हो अगले स्टेप में, मतलब इस स्टेप में तो क्या तूने इसको मारा, देख एक स्टेप पे जाते ये तेरी रानी है ये मेरा राजा है, ये मेरा ये ब्लैक वाली रानी तेरी है ना ये वाली और ये मेरा राजा है ठीक है। अब ये क्या बोलते हैं इसको, अब ये जो था अब या तो इसको यहाँ पे लाके चेक देता यहाँ पे रख देता, मान लो तो इसको यहाँ पे रख देता तो फिर अगले स्टेप में जब तेरे बारी आ रही थी मेरे चलने के बाद तो ये सब मार देता सीधा, जो अभी यहाँ पे अब या तो सीधा यहाँ पे आएगा या तीर से यहाँ पे जाएगा, दोनों केस में ये राजा को नहीं मार सकता डायरेक्ट ठीक है। तूने क्या चाल चलाया, तूने सबसे बेस्ट चाल चलाई, तूने इसको मार दिया, इससे क्या हुआ अब तू तीर से इसको भी मार सकता है और इसको भी मार सकता है, अब क्या होगा अब मैं राजा को बचाने के लिए चक्कर में इधर इधर भगाऊंगा, अब उधर भागा अब तू इसको मार देगा, समझ रहे ना, तूने मेरे को राजा को ऐसे डराया तो राजा तो सारी सेना राजा को बचाने के चक्कर में लग गई, तो जो मेन सेनापति था तूने उसको निपटा लिया तो मेरी पावर कम हो गई, अब वापस मेरी पावर कम करने के बाद तू वापस मुझे चेक लगाएगा। जब हम रियल में मतलब चेस खेलते थे ना ऐसे ऑफलाइन वाला तो उसमें ऐसे रूल भी रखते थे कि अगर आप किसी को राजा को मारने वाले हो तो आपको बता के मारना है, ऐसा अचानक नहीं मार सकते, चेक बोलना पड़ेगा, जैसे तूने यहाँ पे रखा होता ठीक है और यहाँ पे लग गया, अब मैं कैसे मैं क्या पता कि तू मारने वाला है, तो तू बोले कि भाई मैं यहाँ पे आ चुका हूँ तेरे को चेक है और नेक्स्ट में मेट होने वाला है, चेक के बाद मेट होने वाला है ठीक है, मतलब मेट का मतलब मृत्यु, मृत्यु मारने वाला राजा, मेट का मतलब वैसे भी कुछ होता है लेकिन चेतावनी 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 के बाद गेम खलास, तो ये जो है अब नेक्स्ट में मेड होने वाला है अगर मैंने बचाया नहीं तो, पर मैंने बचा लिया, बचा लिया सही, ये देख मैंने बचा लिया ना, मैंने इसको इस तरफ कर लिया, अब मेरी बारी, अब तेरी बारी, और ठीक है जब फाइनल में जब चेकमेट होगा वो जीता हुआ माना जाएगा, मेरा और राजा कहाँ पर है, ये ना तेरा राजा उस तरफ, हाँ खुद के राजा को बचाना है, जहाँ हाँ नाइस अच्छा खेला है, तो चेक लगा दिया तूने है ना, ये तेरी चाल, अब देख मैंने बचा लिया, देख अब ये भी एक ट्रिक होती है कि राजा को आप हिलाओ मत लेकिन राजा के सामने को दूसरा बंदा खड़ा कर दो ताकि ये अब तू ऑपरेशन कर सके, अब तू क्या कर सकता, अब देख अब तू ना इस तरफ आ तो सकता है लेकिन सीधा राजा को नहीं मार सकता, तेरे को पहले इसको मारना पड़ेगा, वो जैसे तू इसको मारेगा मैं अगले ढाई कदम में इसको घोड़े से मार दूंगा तो तेरा वजीर मर जाएगा, देख फाइनली देख ये मेरा मास्टर गेम, देख कि मैंने ऊंट को सामने रख के
अब वजीर वजीर ऊँट को मारने के लिए आएगा हाँ। और मेरा जो घोड़ा है फिर इसको मार देगा हाँ, सही, सही। ये लेकिन अब मैं तेरे को बता देता तू आएगा नहीं ना। अब तू भागेगा अब तू चला फटाफट नाइस अच्छा खेल रहा है चलो इसको नहीं मार सकते किसको इसको सीधा है ना ये किसको किसको ये इसको दायरे वाले कोई सीधा तो मार सकते हैं ना सीधा ही तो नहीं मार सकते है ये जो तेरा प्लेयर है इसको उसको मारने के ना वो तिरछा मारना है हाँ अगर ये आता होता तब तू मार सकता मैं भी मार सकता सही, सही। लेकिन अब वो सीधा खड़ा है ना सीधा नहीं मार सकते सिपाही बहुत ही इसमें मतलब कि वो है अब देख ये तूने गलती कर दी तेरे पास अच्छा खासा था पर तूने निपटा दिया देख तू ये एक और चीज़ देख अब यहाँ पे आ गया अब मैं इसको राजा से भी मार सकता क्योंकि एक स्टेप तो राजा भी चल सकता है एक कदम तो राजा भी चल सकता है ना तो इसको मैं राजा से भी मार सकता था लेकिन मैंने इससे मारा था कि ऐसे ही मेरे को इच्छा के लिए ठीक है वरना मैं राजा से भी मार सकता था समझ रहे हो अब चला और भी तो है सब ये इसको आगे बढ़ाना जो एक और चीज जब तू इन प्यादों ये जो सिपाही इनको आगे बढ़ा रहा है ये आगे बढ़ के जाएंगे कहाँ अगर ये यहाँ तक पहुँच गया फिर क्या होगा फिर ये होगा कि जो तेरा वजीर मर चुका है वो जिंदा होगा हाँ और अगर तेरे पास वजीर है तो एक और वजीर आ जाएगा पावर डबल हो जाएगी दो है तो तीन हो जाएंगे तीन है तो चार हो जाएंगे ऐसा तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं जब मैच हारने वाले होते हैं तो मेन फोकस कर लेते हैं कि अपने एक सिपाही को वहां तक भेज दो बस क्योंकि यहाँ तक आते ही जैसे ये तेरा वहां से आ रहा है तो तेरे को यहाँ तक आना है और मेरे सिपाही को वहां तक जाना है तो ये जो तेरा सिपाही यहाँ तक आ गया तो यहाँ पे आते ही वजीर बन जाएगा हाँ वो अलग बात है कि फिर मैं हाथी से मार दूंगा उससे बचना पड़ेगा तेरे को वो अलग चीज है लेकिन तू जिंदा कर सकता है वजीर को पुनर्जन्म भी है इसके अंदर ठीक है अब देखा मैं इसको आगे बढ़ाता अरे यार हाँ चल ठीक है ठीक है लगा दिमाग लगा तू किसी को मार सकता है मेरे मेरे प्लेयर को किसी को मार सकता है तो हाँ सोच सोच ये थोड़ी बात जाएगा सोच दिमाग लगा ये गलती कर दी इसको मार सकते तू मार सकता था हाँ। तो मारे तू तू भैया ना तू वैसे क्यों पकड़ के चला ऐसे घसीट के मत चला ऐसे दबा के फिर उस पे दबा ये वो लूडो और टेम्पल रन नहीं है कि तू इसको घसीटेगा अब तो मैं मारूंगा कि अब तो मैं बचाऊंगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी प्लेयर्स कम है तो मैं अपने डिफेंसिव गेम खेल रहा हूँ क्लिक करा है किस पे मेरा वाला हाँ तो उसका देख जो सिपाही है तेरा ये जो तेरा सिपाही ब्लॉक हो चुका है ब्लॉक हाँ क्योंकि ये तिरछा में कोई है नहीं प्लेयर मारने के लिए और सामने ही चल सकता था और सामने जगह खाली नहीं है इसलिए ये ब्लॉक हो चुका है तेरा सिपाही 23 मिनट हो गए नाइस अच्छा मूव खेला था अच्छा मैं तेरे सिपाही को मार दिया क्योंकि मैं मेरा हाथी सीधा चल सकता है कौन तू समझना यार ये जो तेरा प्लेयर है ना ये कितना दूर है ये इसको कैसे मारेगा ये इसको देख इसको देख ये जो तेरा सिपाही है ना ये बार इधर देख स्क्रीन पर ये इसको मार सक यहाँ पे अगर कोई होता मत देख बोस इधर देख ये जो तेरा है सिपाही यहाँ पे कोई होता यहाँ पे कोई होता तो मार सकता था यहाँ पे होता तो भी नहीं मार सकता यहाँ पे भी नहीं मार सकता बस यहाँ पे और यहाँ पे तिरछा मार सकता है एक एक कदम ये इसका रूल है ऐसा तो फिर कोई किसी को भी मारता है तिरछा तिरछा जल्दी करे फिर कल एग्जाम की पढ़ाई करनी है चेक लगा दिया हाँ नेक्स्ट में मर्डर हो जाएगा क्या हो जाएगा मर्डर हो जाएगा इसको मार इधर नहीं मर सकता राजा राजा एक कदम से चल नहीं सकता अब देख अब तू देख तेरे को जो तेरे को शो भी नहीं कर रहा इसमें देख जब तू राजा के ऊपर क्लिक कर रहा है तो राजा के सामने तेरे ये ऑप्शन शो नहीं कर रहा क्यों क्योंकि यहाँ पे तू जैसे रखेगा फिर भी मरेगा
तो इसमें चेस में तेरे को वही ऑप्शन शो करेंगे जहाँ पे तू ना मरे। ये तेरा वाला किधर भी चल सकता है, ये सिर्फ प्लस में चल सकता है ना, ये देख ये सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे चल सकता है, प्लस में चल सकता है। अब तू दिमाग लगा कि सबसे सेफ जगह कौन सी है, यहीं पर होगी ना। ये अच्छा ऑप्शन है, लेकिन तू सोच, हमें तो ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी हो सकता था, क्योंकि जो तेरा हाथ राजा था यहाँ पे था, अब तूने यहाँ पे लिया, अब हो सकता है मैं किसी और तरीके से चेक लगाऊँ तो और तेरी ये यहाँ से मैं इसको बाकी को भी मार सकता हूँ। सबसे बेस्ट ऑप्शन था यहाँ से तू यहाँ पे आता, उससे क्या होता, देख ये तिरछा है क्योंकि हाथी की जो लिमिट है ना वो इस तरफ और इस तरफ है, तो यहाँ पे अगर तेरा राजा यहाँ पे होता और नेक्स्ट में अगर मैं हाथी को ना हिलाऊँ तो तू इसको मार देता, राजा से तो निपटा देता ऐसे तिरछा, तो राजा किसी को भी कैसे भी मार सकते हैं और हाथी की लिमिट है। ठीक है चलो ये देख ये चलाया मैंने, ऊँट से चेक लगाया, ऊँट तिरछा से चल सकता है, समझ रहा है ना तू भाई? समझ रहा हूँ हाँ, पता चला सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ। तू राजा को आता लेके आ गया, अब मैं इसको यहाँ पे ले आऊंगा, मैं भी तो भगाऊंगा ना। नाइस, अब मैं इसको मार दूंगा, शराब जल्दी चला। समर्थ पोर्टल पे अपन को फॉर्म भरना है 28 तारीख से, भर देंगे फॉर्म। तो क्या चलाया तूने? ये चलाया ना, ये दिख रहा है इसमें देख, जो लास्ट लास्ट होती है ना उस पर डॉट ग्रीन ग्रीन होता है, चमकदार होता है, तूने ये घोड़ा चलाया अभी यहाँ से है ना। अब देख तेरा भाई क्या करेगा, मैं निपटा रहा हूँ धीरे धीरे तेरे, हाँ हर सिपाही को धीरे धीरे करके निपटा रहा हूँ। ऐसे क्यों ले जा रहा है तू, घसीट के मत ले जा, तेरे हाथ जोड़ता हूँ। हाँ यहाँ पे बटन दबा, अब जैसे तूने यहाँ पे दबाया, अब ये हाथी सिर्फ अभी एक पोजीशन ही चल सकता है, ये जो तेरा हाथी सिर्फ यहाँ पे चल सकता है और कहीं नहीं चल सकता। अब तू उसको घसीट के कहीं पे भी ले जा, उससे फर्क, अब मैं इसको अगर यहाँ पे ले आऊँ तो क्या यहाँ पे आ थोड़ी जाएगा, ये जहाँ तक इसकी लिमिट है। तेरा हाथी ये कैसे चलता है, ये ऊँट है कैसे चलता है, ये तिरछा चलता है, मतलब ये ऊँट है ना, ये यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है, इधर देख लेगा पूरा, यहाँ पे जा सकता है और यहाँ पे जा सकता है। बस ये ऊँट का ये होता है कि अगर जिस कलर पे, जैसे ये देख ये ऊँट कौन से कलर पे है, ग्रीन कलर पे है, ये वाइट पे कभी नहीं आएगा क्योंकि हमेशा तिरछे चलते चलता है ना, और जो वाइट वाला ऊँट होता है वो हमेशा वाइट पे रहता है। किसको किसको किधर भेजना है? हाँ तो उसको वहाँ पे ले आया, तो इसको मैंने मार दिया। हाँ शाबाश, सीख गया गुंडा, सीख गया, आई एम प्राउड ऑफ यू, शाबाश बेटा, खुशी हुई मुझे। चला नहीं सब तो यहाँ पर तुम थोड़ा सा मतलब तूने गलत काम कर दिया है देख, क्योंकि मेरे प्यादे के जस्ट तिरछे में रखा है तो इसको मैं मार सकता हूँ, तेरे को वो रखना चाहिए था घोड़े को, लेकिन फिर भी तूने अच्छा डिसीजन लिया। तिरछा कोई नहीं चलेगा मेरा, कौन तिरछा चलेगा, ऊँट खत्म, ऊँट अपन दोनों के पास नहीं है।
चला दिया चला दिया ना। अरे यार मैं क्या देख रहा हूँ। चेक लगा दिया। मारने वाला है राजा को। मरना वाला हूँ। क्यों मरने वाला है? ये पीछे नहीं आ सकते। कौन कौन पीछे? तो देख जिस भी पैदल को तेरे को चलाना है, जिस भी प्लेयर को चलाना है, उस पर रख उंगली एक बार। रख दिया रख दिया नाइस। इस पे रख तो क्यों दिखा रहा? किस पे? इसमें कुत्ते को चेक लगा तू समझ मरने वाला है। तू यहाँ पे एक बार इधर देख रहा, मैं समझा रहा हूँ जो समझ ले। चेक किससे लगा? इस वाले हाथी से लगा। इस वाले हाथी स्तर को अब सिर्फ कोई नहीं बचा सकता, राजा को ही कहीं ना कहीं हिलना पड़ेगा। ये जो ये घोड़ा है तेरा, ये घोड़ा कहीं पे भी चला जाए तो समझ रहे ना, वो तेरे को नहीं बचा सकता, इसलिए घोड़े का ऑप्शन दिखाई नहीं रहा तेरे को, वरना लोग इलीगल मूव चलाएंगे। चला जाए मैंने मर गया। ये देख कैसे हुआ, चेकमेट चेकमेट हो गया। कौन जीता? मैं जीता। और कैसे कैसे जीता इसमें देख लिखा हुआ है। इसमें तू देख इस हाथी से ये पूरी लाइन ब्लॉक है, तेरा राजा यहाँ पे है और इस हाथी से ये पूरी लाइन ब्लॉक है। अब तू कुछ भी कर ले नहीं बच सकता क्योंकि दोनों लाइनें ब्लॉक हो गई। समझ गया ना? एक मैच वापस खेले तो इजीली हो जाए, समझ में आ जाए। ये दिमाग पे ज़्यादा लोड पड़ रहा था। नहीं बस बस हो गया, खेलेंगे बाद से। लोड पड़ रहा है? नहीं लोड नहीं पड़ रहा, खेलेंगे अभी एक बार खेलेंगे ना। और अभी खेलना है? हाँ खेलेंगे। चल ठीक है, इसमें रीमैच पे क्लिक कराओ। पर नहीं इसको रीमैच पे थोड़ा अब थोड़ा 5-5 मिनट का रखते हैं, जल्दी जल्दी खेलेंगे। शिट यार अभी एक कर वोट करो। बस बस बहुत मतलब हुआ। तू मेरे को भेजो फ्रेंड्स वाले में जा। फ्रेंड्स मैं तेरे को भेजता हूँ। मैं भेजता हूँ संतोष। रुक रुक मैं भेज रहा हूँ, तू बस एक्सेप्ट कर लियो। रिकॉर्डिंग मत करें सर। रिकॉर्डिंग बंद करूँ? बंद करें ना, बहुत हो गया। अरे चलने देना, आधा घंटा हुआ, 40-50 मिनट हो रहा है। इस बार तेरे को कौन सा कलर चाहिए? ब्लैक वाला चाहिए। नहीं व्हाइट देते हैं तेरे को। 5 मिनट का कर रहे हैं अपन, जल्दी जल्दी होगा है ना। क्या चाहिए? वाइट चाहिए तेरे को? वाइट दे दिया मैं। ठीक है नहीं नहीं ठीक है, वाइट दे दिया मैं। अब 5 मिनट का गेम है तेरे पास, सिर्फ 5 मिनट, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट। फटाफट फटाफट मुंह चलाना इसमें, तो एक्सेप्ट करना उसका। क्या आदमी है तू यार, सब आता है। तू ही नहीं देखना चाहता संतोष। स्टैंडर्ड 5 मिनट प्ले है, कहने का आएगा तेरे पास आएगा। 5 मिनट तक नहीं आ रहा, मैं नहीं आ रहा। संतोष वांट्स टू प्ले। तीन तीन दिन का चल गया, ये थोड़ी ख्याल ना। नहीं 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 मैं करता हूँ। देख प्ले फ्रेंड स्टैंडर्ड 5 मिनट तू वाइट पे। ओके चल ठीक है ना, तो भेज दिया मेरे को रिक्वेस्ट, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। 5-5 मिनट का गेम है, फटाफट कर लेना ठीक है। चला फटाफट चला।
शाबाश, जितना जल्दी चलेगा उतना जल्दी चलेगा, जल्दी चला, टाइम नहीं है। देखिए ये गलती कर दी तुमने, मार सकता था तू मेरे को पर तूने नहीं मारा, ये पहली गलती है। चला चला जल्दी चला चला, ये तो गलती कर दी, मार सकता था, फिर तूने एक और गलती कर दी। नाइस, तूने देख अपने सिपाही को प्रोटेक्ट किया, तो सच में ये सोच के चला है तू, ऐसे रैंडम चला है, रैंडम चला ना। हाँ मैं देखो इतना दिमाग कैसे आ गया तेरे पास। देख मैं तेरे सिपाही को मारने वाला था, ये देख मैं तेरे सिपाही को ऐसे मारने वाला था, अब नहीं मार सकता, क्यों? क्योंकि फिर तू मेरे वजीर को मार देगा ऊँट से। ये तूने अच्छा अच्छा खेला है। खेल लिया। कहाँ से कमारा? तिरछा। तिरछा यहाँ से इधर मारा। ये देखना कहाँ था मेरा वजीर? यहाँ पे था, यहाँ से आपने मारा। इसको मार सकता मैं? तो कैसे मारेंगे? राजा कहाँ है? राजा राजा इधर आ जाता। अच्छा भाई नाइस, खेल लिया। तू इससे मार सकता था, ये जो घोड़ा है ना इससे ढाई कदम क्या मार सकता था तू? मिस्टेक हो गया तेरे से, क्या हो गया तेरे से? मिस्टेक हो गया। चला दिखे तिरछा मारेगा वजीर से। वजीर से तिरछा मारूंगा। सीधा नहीं मार सकता? किसको? सीधा वजीर से। तो वजीर से सीधा नहीं मार सकता, सिर्फ तिरछा मार सकता। अरे ये कुदन गलती करे तू, राजा से भी तो वजीर को मार सकता था, राजा भी तो एकदम चलता है भाई। पर कोई बात नहीं, तू तेरा पहला मैच है तो सीख जाएगा धीरे धीरे। अच्छा खेला तुमने, चला। नाइस, लेकिन मैंने जानबूझ के किया ऐसा ताकि मैं तेरे वजीर को मार सकूँ, समझा? क्योंकि पहले मैं नहीं मार सकता था, ये देख ये इधर देख, जब इस पोजीशन में था तब मैं, क्योंकि बीच में ये था तो मैं इसको डायरेक्ट नहीं मार सकता, तो जब तूने इसको मारा तो मेरे लिए पोजीशन क्लियर हो गया, समझा? ये हाँ ये चाल थी, चाल ट्रैप करने के लिए। चला बहुत अच्छा किया। हाँ जितना तू खेलेगा उतना सीखेगा, ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। खेल खेल बहुत अच्छा खेला। हाथी तो चल रहा नहीं, क्यों चलेगा? तेरे राजा पे चेक लगा है। क्या लगा? चेक लगा, मारने वाला है। इधर देख, वजीर से लगा चेक, तो अब तू इन दोनों के बीच में कुछ ला सकता हो या इसको हटा सकता हो तो कर सकता। हाथी को पीछे से पता नहीं कहाँ से लाना चाह रहा है, हाथी तेरे को नहीं बचा सकता।
तेरे को बचाएगा तो कुछ और ही बचाएगा, सिपाही बचा सकता था तेरे को। मार दिया ना मेरा यहाँ। हाँ तेरी बारी है। ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा फिर गलती कर दी। तू मार सकता था भाई इससे, इससे मार तीर्थन तीर्थन होता ना। तो तू मार सकता है। हाँ पर मैं नहीं मारूंगा। नहीं मत मार, मेरे खुद को भी तो पता ना। चेक चेक राजा को मारने वाला है तीर्थन। एक ही तरीका बचने का, और कोई तरीका नहीं है। क्योंकि तेरा राजा देख, ये इधर राजा है, इधर देख मैं बताता हूँ। ये राजा यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि उठते चेक लगा। ये यहाँ पे भी नहीं आ सकता क्योंकि वजीर से लगा। एक ही तरीका है इसको यहाँ पे लाने का बस। लेकिन मैं इसको भी मार दूंगा नेक्स्ट। मारने वाला मार सकता। बस अब तू सीख गया भाई। अब मेरे को प्राउड है भाई तेरे को। बिल्कुल बिल्कुल अब मैं बहुत बहुत खुश हूँ मैं तेरे को। अब तो तू खेल। ये गलती कर दी तूने। तू इस ऊँट को भी मार सकता था जिस राजा से तूने वजीर को मारा है। ऊँट भी तो पास में था। कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम जाना मैम। सर नाइस सलाम सलाम। कौन सा तिरछा? ये तिरछा को है नहीं तो कैसे मारेगा? ये जो तेरा ये है ये किस किसकी बात कर रहा है? इसकी बात कर रहा है ना। ये देख इसके यहाँ पे तिरछे में कोई इंसान हो तो मारेगा ना। बेमतलब सिपाही सिर्फ मारने के लिए तिरछा चल सकता है? ऐसा बेमतलब तिरछा नहीं चल सकता। देख तेरे पास समय कम है बहुत जल्दी से। क्या किया तूने? अच्छा कुछ तो किया है। नाइस लंगड़ा लंगड़ा वाला लंगड़ा तिरछा मार सकते जरा। हाँ मैंने मार दिया ना मेरे से ओके नहीं रहा है तेरा। होगा क्या? मैं चला तो दिया यार। क्या सर अच्छा एक मिनट रुक। अरे सिंपल टाइम पता है कौन जीता है। चला चला चल चला। 16 सेकंड है तेरे पास। कोई मरता है क्या? नहीं ऐसे इधर उधर देख के मरता ना। चेक लगाते राजा को। तू ये गलती कर रहा है। इधर दे तेरे राजा को चेक लगा था घोड़े से। हाँ तो घोड़े से दूर भागना था तेरे को। तू बाकी प्लेयर चला रहा है। तू पहले समझ तो जा प्रॉब्लम क्या। प्रॉब्लम ये कि तेरे राजा को चेक लगा हुआ है। हाँ आज का बहुत हुआ। मैं थक गया हूँ भाई। हाँ कौन जीता? मैं जीता। और कौन जीतेगा? ठीक है हो गया बंद करूँ? बंद कर दिया।